श्री कृष्ण राधे राधे जय महादेव वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरुस्त होंगे मैं भी अच्छी हूँ स्वस्थ हूँ तंदुरुस्त हूँ ये है मेरे मायके का किचन तो बस किचन में आ चुकी हूँ चाय नाश्ता सब हो चुका है तो भाभी के लिए यहाँ पर बना रही हूँ काटलू तो बस गुजराती में उससे काटलू ही बोलते हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता है तो सारी चीजें उसके अंदर आती है मिक्स तो बस सिर्फ बनाना ही होता है तो गूंद वगैरह सारी औषधि इस तरीके से उसके अंदर आती है तो सामने की तरफ ही पैकेट पड़ा है आप देख सकते हो उसके अंदर लिखा हुआ है काट लूँ तो बस यहाँ पर गुड़ है वो मैं काट रही हूँ यहाँ पर बस यहाँ पर साइड में जो पेन है वो भी चढ़ा दिया है तो उसके अंदर मैं डाल दूंगी घी थोड़ा सा तो बस घी को गर्म कर कर गैस मैंने बंद कर दिया है फिर मैं डाल दिया है गुड़ तो घी गरम है तो गुड़ तुरंत ही पिघल जाएगा तो बस वो मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं उसके अंदर डाल दूंगी काट लूँ तो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है ये तो हमारे यहाँ पर डिलीवरी के बाद हर महिला को इस तरीके से खिलाते हैं तो बस वही सुबह के टाइम मैं यहाँ पर बना रही हूँ तो, तो चाय तो भाभी ने पी ली है उसके बाद यहाँ पर जो बना रही हूँ तो बस जा दे कर देकर आऊँगी तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे भी बहुत पसंद है ये काट लूँ तो लेकिन होता बहुत ही गर्म है इसलिए गर्मियों में ज्यादा नहीं खाया जाता है तो बस मैं इस तरीके से ही रखती हूँ तो फिर ठंडा होता है तो फिर वो गाढ़ा हो जाता है तो बस अब जाती हूँ भाभी को देकर आती हूँ तो बस भाभी ने खा भी लिया है और हम लोग आ चुके हैं भोज अस्पताल आए हुए हैं तो भाई की बेटी है उसका रूटीन चेकअप भी था और अब इसी की रसी भी दिलवानी थी तो इसीलिए हम लोग आ चुके हैं अस्पताल तो रूटीन चेकअप में जो चेक करना था कि उसको कमरे की असर हुई है कि नहीं हुई है तो बस वही रूटीन चेकअप किया है तो सब अच्छा ही है ठीक ही है उतना ज्यादा नहीं है डॉक्टर ने बोला है कि कोई, कोई बात नहीं है तो बस है रास्ते में आप देख सकते हैं ये टेंट सिटी सब कुछ बनाया हुआ है क्योंकि भूज में बहुत ही बड़ा यज्ञ चालू है और बहुत ही ट्रैफिक है तो ये सारा इंतजाम वहाँ पर रखा हुआ है जो लोग बाहर से आते हैं उससे रुकने के लिए तो ये आप ट्रैक्टर देख रहे हैं ये जो यज्ञ में जाने के लिए पैदल का रास्ता किलोमीटर जितना है तो इसके अंदर बैठ लोग जाते हैं और ये यज्ञ है उसका जो बाहर से गेट इस तरीके से कुछ बनाया है तो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ही सुंदर है तो इतनी बहुत ही ट्रैफिक थी क्योंकि यज्ञ अभी पूरा ही हुआ था तो बहुत ही ट्रैफिक थी तो आप लोग उसका लोकेशन देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी रास्ते में थे तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया तो बस अभी चलते हैं घर तो सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ पांच बजे शाम के पांच बज चुके हैं और इतना थक गए थे कि दोपहर को हमें सवा दो बज गए थे आते आते फिर आकर खाना खाया और थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि कल रात को भी मेरी भाई की बेटी है वो ज्यादा सोई नहीं थी तो हम लोग भी जगे थे और सुबह हम अस्पताल गए थे तो आते आते बहुत लेट हो गया था तो, तो बहुत थक गए थे क्योंकि कल रात नींद पूरी नहीं हुई थी तो फिर दोपहर को हम ऐसे ही सो गए तो तो यहाँ पर गर्म पानी है वो भी कर लिया है भाभी के लिए पीने के लिए तो बस डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ पर गर्म पानी उबाल कर ही देते हैं पीने के लिए तो यहाँ पर और पानी कर लिया है तो ये थैली है उसके अंदर सेक करने के लिए मैं गर्म पानी डाल रही हूँ तो बस दोनों में यहाँ पर ले लूँगी और जाऊँगी ऊपर क्योंकि भाई का बेडरूम ऊपर है तो, तो चलो चलते हैं और भाभी को देकर आते हैं दोनों चीज़ें ऊपर तो बस हो चुकी है शाम यहाँ पर मम्मी है जो छिल रही है आम तो खाना है आम तो वही काट रही है तो मैं और मेरी भाई की बेटी वैसण भी वो दोनों बैठ कर खाएंगे तो मम्मी कट कर रही है और मेरा अभी भी जुखाम है तो मेरा बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा कितने दिन तक वीडियो नहीं डालूंगी और मम्मी यहाँ पर आम काट रही है और मैं पास में खड़े होकर खा रही हूँ मम्मी पूछ रही कैसा है तो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही मीठा है तो मैं बस लेकर जा रही हूँ वैष्णवी को दे देती हूँ वो है छत पर तो बस मैं भी छत पर आ चुकी हूँ तो घर की छत पर से पूरा इस तरीके से सामने खेत खेत दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो इस तरीके से ग्रीन हरी मुझे बहुत ही पसंद है तो बस ऐसे थोड़ी देर छत पर बैठे थे बातें बातें कर रहे थे गप्पे मार रहे थे तो मैं थोड़ा सा सूट कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था खेत वाला माहौल मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है तो सामने पूरा ग्रीन हरी ग्रीन हरी था तो यहाँ पर वैष्णवी ने मुझे देख लिया था तो वो बोल रही थी कि मुझे भी वीडियो में आना है तो वो बोल रही थी कि मुझे गोद में ले लो तो फिर मैंने ऐसे ही उठा लिया उसको तो ये है मेरे भाई की बेटी उसका नाम है वैष्णवी तो जो पहले से मेरे साथ लोग जुड़े हुए वो पहचानते ही है लेकिन जो नए जुड़े उसको नहीं पता होता है तो ये मेरे भाई की बेटी है तो वो यहाँ पर बोल रही थी कि बो आप बोलो आप बोलो तो मैं वही बोल रही थी कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी क्योंकि आवाज़ बहुत हो रही थी तो फिर वो मुझे बातें करा रही थी हम गुजराती में ही बातें कर रहे थे इसलिए यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बस यहाँ पर जो वैष्णवी है वो बोल रही थी कि आप अपने बाल खोल दो मैं आपकी हेयर स्टाइल बनाती हूँ और आप मेरा सूट करो तो मैंने बोला ठीक है तो बस वही वो, वो बोल रही थी कि मैं आपकी हेयर स्टाइल बनाती हूँ आप बोलिए कि वैष्णवी मेरी हेयर स्टाइल बना रही है ऐसा मुझे बोल रही थी कि आप बोलिए कि मैं आपको बाल बना रही हूँ हेयर स्टाइल बना रही हूँ तो मैं उसको वही बोल रही थी कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर बता दूंगी कि वैष्णवी मेरी हेयर स्टाइल बना रही है और बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल बनाती है तो वो फिर अच्छे से राजी हो गई तो बस यहाँ पर आ गई हूँ नीचे हो चुकी है शाम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये कलिंगन था तो थोड़ा सा सोचा खा लेते हैं सामने दिखा तो फिर मन नहीं रहता है तो बस खाना बनाना है आधी तो तैयारी हो चुकी है साइड में खिचड़ी भी चढ़ा दी है रोटी अभी बाकी है तो बस वही मैं यहाँ पर खा रही थी तो बहुत ही मीठा है वैसे भी कलिंगन मुझे बहुत ही पसंद है मेरा फेवरेट है तो बस कलिंगन भी खा लिया है साइड में खिचड़ी भी चढ़ रही है तो पहले यहाँ पर रोटी बना देती हूँ तो मेरा अभी भी इतना जो नाक दोनों बंद है तो बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड है वो भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को तो सॉरी उसके लिए तो बस मैं यहाँ पर सारी रोटियाँ है वो बना देती हूँ रोटी बनाई तब तक मम्मी ने यहाँ पर कड़ी बना दी है तो दो लोग काम करने में होते हैं तो बहुत फास्ट फास्ट काम हो जाता है तो यहाँ पर पापड़ है उसकी सब्जी भी मुझे बनानी है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है पापड़ की सब्जी तो बस वही यहाँ पर तेल बहुत गर्म हो चुका था तो मैंने गैस है वो बंद कर दिया था और ऐसे ही तड़का दे दिया था तो बस कुछ भी नहीं उसके अंदर ऐसे ही कुछ मसाले डाल देते बेसिक मसाले जो डालते हैं वही और थोड़ा सा पानी डालते हैं तो बस सब्जी हमारी रेडी है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर फिर मैं गैस अब चालू कर रही हूँ क्योंकि बहुत तेज गर्म हो गया था तेल तो बस खाना पीना सब हो चुका है हमारा हम लोगों ने खाना खा लिया है तो बस यहाँ पर जो मम्मी है मेरी वो बर्तन कर रही है और मैं यहाँ पर गैस स्टव है वो साफ़ कर रही हूँ तो बस अच्छे से जो गैस को क्लीन कर देती हूँ तो लिक्विड डिश वॉशर मैंने ले लिया है और अच्छे से कर दूंगी क्लीन क्योंकि पूरे दिन में आज गैस की सफाई हुई नहीं है तो बस आजकल बहुत ही जो टाइम नहीं मिलता है पूरा दिन इतना काम होता है कि फिर टाइम ही नहीं मिलता है तो आज गेस्ट हव की क्लीनिंग है वो रात में हो रही है पूरे दिन में नहीं हुई थी बस ऐसे ही साफ़ तो किया था लेकिन पूरा डीप क्लीनिंग जो करते हैं वो नहीं किया था तो बस यहाँ पर मम्मी जो बर्तन कर रही थी तब तक मैंने कहा मैं यहाँ पर सफाई कर देती हूँ तो बस अच्छे से पूरा जो गेस्ट हव है उसको मैंने क्लीन कर लिया है यहाँ पर किचन प्लेटफॉर्म है वो भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी क्लीन कर दूंगी तो मैं और मम्मी बातें करते करते काम हो गया पता ही नहीं चलता है तो बस ऐसे ही किचन में फटाफट से काम हो जाता है दो जन होते हैं तो बस गेट स्टोव को अच्छे से नीप क्लीन कर दिया है साफ़ कर दिया है तो बस यहाँ पर आधा किचन ही अभी बाकी रहेगा तो यहाँ पर बैठ हमने खाया था खाना तो बस यहाँ पर झाड़ू तो मैंने लगा दिया है अब सिर्फ पोछा लगाना ही बाकी है तो बस थोड़े में ही पोछा लगाना है पूरे घर में नहीं लगाना है तो जितने में बैठ कर खाना खाया था उतने में ही लगाना है तो बस आज का वीडियो इतना ही अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे करें। तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए बाय